एक नया एग्जांपल बनाएंगे A33 नाम से। A32 हमने लास्ट एग्जांपल ट्राई किया था, हमने यहाँ पर A33 नाम से एक नया एग्जांपल बनाने के लिए सबसे पहले तो एक HTML पेज बनाया, सेव करेंगे A33.html। नाउ एक और फाइल क्रिएट करेंगे A33.js और इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिंक करना है। हमने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे हम लोग इस तरह से, और हमने कहा src, और हमने कहा जो हमारा js फोल्डर है वहाँ पर जो A33 नाम का js फाइल है उसको यहाँ पर एसोसिएट कर दो। नाउ वी आर रेडी, नाउ A33 JS फाइल को A33 HTML से लिंक कर दिया हम लोगों ने। नाउ मैंने यहाँ लिखा ईमेल कोलन, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक डेव बनाता हूँ। ये मैंने डेव क्रिएट किया और डेव के अंदर हमने एक आईडी असाइन कर दिया और आईडी ए असाइन किया। इसके लिए स्टाइल भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने स्टाइल टैग बनाया। तो एक सेपरेट स्टाइल फाइल बना के लिंक करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस यही है, पर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं बस जस्ट यहाँ पर क्विकली एक स्टाइल रूल लिखने वाला हूँ उस एलिमेंट के लिए जिसका आईडी ए है। हमने कहा विड्थ, जिससे हमने पिछली बार किया था 200 pixels, नाउ हमने कहा हाइट, हमने कहा 200 pixels, नाउ हमने कहा बॉर्डर, हमने कहा 1 pixel सॉलिड रेड। तो इसका हाइट हम सेट नहीं करना चाहते, ठीक है। इसका हाइट हम डिपेंड करता है कि जैसे जैसे हमारी नीड होगी वो अपने आप हाइट इंक्रीज होगा ना। तो अब इस एलिमेंट को हम लोगों ने एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया, विड्थ अप्लाई कर दिया है ना। इसका जो बॉर्डर कलर है मैं बिल्कुल लाइट कलर चाहता हूँ, तो हमने यहाँ लिखा ये बहुत ही लाइट फेन कलर है, ये हमने अप्लाई कर दिया। और इस डिव के अंदर हमने लिखा ईमेल कोलन, मैं इनफैक्ट इसको कुछ प्रॉपर नेस्टिंग करके लिख दूंगा तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने कहा ईमेल, हमने कहा इनपुट टाइप, हमने कहा टेक्स्ट, और हमने क्लोज कर दिया। इसका विड्थ इनफैक्ट मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, 500 pixel कर देता हूँ, और हम इस एग्जांपल A33 को ओपन करके देखेंगे। मैंने कहा A33 एग्जांपल को रन करके देखो, ये रहा हमारा A33 एग्जांपल। थोड़ा जूम करते हैं और वो जो डिव बॉक्स है जिसकी बॉर्डर आप देख पा रहे हो कि बहुत ही फेन कलर हमने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर मैं इसका विड्थ थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। मैंने कहा रिफ्रेश, ये ठीक है, और कम कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी। हमने कहा 250 pixels, आप देख सकते हो जो बॉर्डर है उसको हमने और कम कर दिया है ना। तो इस तरह से हमने एक ईमेल फील्ड बनाया, यहाँ पर आप ईमेल टाइप कर सकते हो। सपोज मैंने कहा @gmail.com, ये इस तरह से ना। तो अभी हमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम एक स्टेप के अंदर या स्टेप के बाहर, हम इनफैक्ट यहाँ पर मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा इनपुट टाइप, हमने कहा बटन। ये बटन को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही रन कर सकते हैं, ये किसी फॉर्म के अंदर सबमिट बटन नहीं है, ध्यान देना होगा। वैल्यू, ये जो आपका लेबल है इसे हमने कहा यहाँ प्लस लिख देते हैं, ये इस तरह से तो प्लस मैंने अप्लाई कर दिया। और इसको भी मैं एक आईडी अप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा बी, इसका आईडी बी कर दिया। और स्टाइल में जाएंगे और हमने कहा #b, हमने कहा इसका स्टाइल भी चेंज करेंगे। अभी कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया, जस्ट एक रूल लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस बटन बन के रेडी हो गया। तो Ctrl 0, ये मैंने इसको नॉर्मल कलर में साइज में रखा है पेज को, जो नॉर्मल साइज होता है पेज का। मैं इसको जूम करूँगा तो ये बड़े साइज में दिखाई देगा ये, तो आप इसको स्टाइल में जाके चेंज कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने बी के लिए कोई स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जूम करने से वो बटन थोड़ा जूम होकर बड़ा होकर दिखाई दे रहा है, इतना सफिशिएंट है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मैं ये जो इनपुट बटन पे क्लिक करूँगा, एक और इनपुट फील्ड बन जाना चाहिए। जैसे ये एक इनपुट फील्ड है, वैसे एक और इनपुट फील्ड बन जाना चाहिए। तो ये हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। A33JS में हम जाएंगे, हमने कहा वो जो डिव एलिमेंट है, वो डिव एलिमेंट का आईडी क्या है, ए।
इस डिव के अंदर हमको नए फील्ड्स बनाने हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया ए और हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने कहा वो डिव एलिमेंट जिसका आईडी ए है उसे गेट करो। वेर हमने कहा बी, आपको मालूम है नीचे एक बटन बनाया था इनपुट टाइप बटन, उसको गेट करेंगे। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने कहा जिसका आईडी बी है उस बटन को हमने कहा आईडी बी दिया था, ठीक, उस बटन बी को भी हमने गेट किया। हमने कहा बी डॉट ऑन क्लिक, अगेन देखो इवेंट पे हम काम कर रहे हैं इस समय भी, बी डॉट ऑन क्लिक, हम बटन के ऑन क्लिक पर, मतलब हम इस इवेंट को हम प्रैक्टिकली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा बी डॉट ऑन क्लिक, बटन के ऑन क्लिक पर करना क्या है, तो हमने कहा कि एड इनपुट फील्ड, ये हमारा फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। ऐसा कोई फंक्शन रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, ये हमारा आइडिया है कि जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, हमने कहा एड इनपुट फील्ड नाम का जो फंक्शन है वो रन होगा, पर ये फंक्शन तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हमने कहा हमने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एलिमेंट, ये जो मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये पहली बार हम यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट में हमने यहाँ पर लिखा, इसमें स्ट्रिंग में आपको वो एलिमेंट का नाम यानी टैग का नाम लिखना है जो आप बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे एक इनपुट टैग बनाना है, पर इसका टाइप कैसे बताएंगे कि रेडियो है, चेकबॉक्स है, हाँ या इनपुट टाइप सबमिट या बटन है। तो अगर आप इनपुट टैग बनाने के लिए बोलोगे तो एक इनपुट टैग बन जाएगा, एक इनपुट फील्ड बन जाएगा, लेकिन वो अभी हमारे पेज का पार्ट नहीं है, लेकिन उस इनपुट फील्ड के साथ साथ उसका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा और ये क्रिएट एलिमेंट हमें वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो मैंने INP नाम का एक वेरिएबल बना के उस फ्रेश न्यू जो इनपुट फील्ड बना है उसको होल्ड कर लिया। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, हमने डॉक्यूमेंट नाम का जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उससे कहा हमें एक नया एलिमेंट, नया टैग बनाना है, इनपुट नाम का टैग बनाओ, तो वो फील्ड बन के रेडी हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट उसका टाइप प्रॉपर्टी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट फील्ड बन के रेडी है, लेकिन वो अभी हमारे पेज का पार्ट नहीं है, ये मेथड कॉल होने से वो एलिमेंट दिखेगा नहीं। तो हमें से क्या करना होगा, हमारे डिव में जिसका नाम ए है, ए नाम का वेरिएबल एक डिव को रिप्रेजेंट करता है, हमका ए डॉट अपेंड चाइल्ड ये मेथड कॉल करना होगा और इसमें ये इनपुट फील्ड पास कर देना पड़ेगा अपेंड चाइल्ड। तो इनपुट फील्ड के अंदर ये अपेंड चाइल्ड हमने कॉल किया, पास कर दिया, ठीक है। और ये इंटरेस्टिंग कोड अभी आप देखो, और रिफ्रेश करते हैं, मैंने कहा प्लस, तो मैं नंबर ऑफ जो gmail.com ai@gmail.com, ठीक है, और anup12@gmail.com, मैं अपने नंबर ऑफ मोबाइल नंबर्स या ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ, लेकिन अब ये दिखने में उतना क्लियर नहीं है, तो हम इसको और मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ट्राई करूँगा कि जो आप इनपुट फील्ड बना रहे थे यहाँ मैं br टैग इंसर्ट कर देता हूँ जिससे कि ये नीचे दिखाई देगा। दूसरा हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि ये जो हमारा इनपुट फील्ड है इसको एक क्लास अप्लाई करेंगे। क्लास क्यों अप्लाई करेंगे वो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि क्लास नाम का एट्रीब्यूट कब यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको सेम स्टाइल अप्लाई करनी है। तो आपको तो मालूम है मैं अभी नए नए इनपुट फील्ड बना रहा हूँ, उन सबको भी सेम स्टाइल अप्लाई करना है, इसीलिए मैं ये करने वाला हूँ। तो मैंने कहा क्लास, और हमने कहा क्लास में सपोज हमने कहा INP, हाँ क्लास का नाम दे दिया INP, और यहाँ पर मैं स्टाइल लिख देता हूँ, मैंने कहा डॉट, क्योंकि अब हम क्लास प्रॉपर्टी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, INP एक क्लास है जिसके लिए हमें CSS रूल लिखना है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट फील्ड है उनके अंदर जो हम टाइप करेंगे तो कलर कैसा होना चाहिए। हमने कहा कलर कैसा होना चाहिए, हमने कहा रेड, ऐसा हमने सेट कर दिया। तो अभी आपको जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो देखने मिलेगा, ये हमारा एग्जांपल है, मैं इसको वंस अगेन रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो मैं इसमें लिखता हूँ, देखो रेड कलर में आ रहा है, तो मैंने इसके लिए स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब मैंने कहा प्लस, नया फील्ड बना, पर यहाँ तो ब्लैक में दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो नए फील्ड बना रहे हैं उसको कहाँ हमने अप्लाई किया है, राइट, उसको भी तो हमें क्लास एट्रीब्यूट असाइन करना पड़ेगा। तो हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और हमने कहा कि आपने जैसे ही कहा क्रिएट एलिमेंट, एक नया फील्ड बना और अगले स्टेटमेंट में आपने डिव में जाके उसको अपेंड कर दिया, लेकिन एक मिनट आप रोको, हम क्या करते हैं, हमने कहा INP
डॉट, हमने कहा इसमें जो एट्रीब्यूट है क्लास, तो ये तो रिजर्व वर्ड है, हम कैसे क्लास एट्रीब्यूट के बारे में कैसे बोलेंगे, क्लास नेम, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था आपको। तो क्लास नेम, और हमने कहा हमारा क्लास नेम क्या सेट किया था, आई एन पी, याद है आपको, हमने प्रीवियस पेज में A33 HTML में आपने देखो आई एन पी नाम का क्लास डिज़ाइन किया हुआ है सी एस एस के अंदर, मैंने कहा ये वाला जो क्लास है ये असाइन कर दो, इससे क्या होगा जितनी बार नए फील्ड बनेंगे उनको ये क्लास असाइन होता जाएगा और हर बार हर एक फील्ड का जो टेक्स्ट कलर है वो रेड कलर का हो पाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कहा प्लस, आप देखो यहाँ पर भी रेड कलर है, ऊपर तो बाई डिफॉल्ट था ही, और प्लस किया यहाँ पर भी रेड कलर आ गया है, आप देख सकते हो हमने ये पर्पस अचीव कर लिया है। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये जो फील्ड्स हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक फील्ड को एक मार्जिन टॉप ये प्रॉपर्टी सी एस एस प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी एस एस प्रॉपर्टी आई एन पी टेक के लिए, हमने कहा मार्जिन डैश टॉप, हमने कहा 12 पिक्सल का मार्जिन टॉप सेट कर देते हैं। अब जैसे जैसे एलिमेंट बनेगा उसको हम क्लास नेम आई एन पी असाइन कर रहे हैं, तो उन सब के ऊपर ये सी एस एस अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्लास नेम में जो जो भी प्रॉपर्टीज़ लिखी है सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा रिफ्रेश, हाँ, तो अभी देखो ऊपर मार्जिन 12 पिक्सल आ गया, मैं ऐड करता हूँ, देखो नया फील्ड के बीच में जो नया फील्ड है उसमें ऊपर की ओर मार्जिन टॉप 12 पिक्सल है, फिर से देखो, फिर से अगेन वंस अगेन, आप देख सकते हो कि हर बार जो नए टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो रहे हैं तो हम कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हैं। अभी देखो इस एग्जांपल का इंटेंशन ये था कि हर बार नए एलिमेंट्स क्रिएट करो, हाँ हम नए एलिमेंट्स क्रिएट कर पा रहे हैं, और इसके पहले क्या था, हम किसी एलिमेंट की स्टाइल को चेंज कर रहे थे, ठीक, उसके पहले क्या था, हम किसी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को हम डायनेमिकली चेंज कर रहे थे ऑन क्लिक पर, या किसी और इवेंट पर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, हम इस एग्जांपल को पूरा क्लोज कर देंगे, मैं एक नया एग्जांपल बनाना चाहता हूँ, A34 को हमें देखना है, ये देखो हम नेशनल पेज बनाया, सेव किया, हमने कहा A34 नाम से इस नया पेज को सेव करो, ये तो गलत जगह सेव हो गया है, तो मैं हमारे फोल्डर में जाकर इस A34 को हम मूव करेंगे, मैंने यहाँ से कट किया, हमने कहा JS प्रेगमेंट डायरेक्ट HTML पेजेस को स्टोर करना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये आ गया यहाँ पर। नाउ HTML में जाएंगे वापस बैक, हमने कहा JavaScript में एक नया फाइल क्रिएट करो, सेव, हमने कहा A34.js नाम से हमने सेव किया। नाउ वापस बैक जाते हैं JS प्रेक में, और हमने कहा ये हमारा A34 पेज भी ओपन करो, A34 HTML फाइल हमने ओपन किया, JavaScript फाइल को ओपन किया। नाउ हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने कहा हमारे पास एक टेबल नाम का टैग है, टेबल नाम का हमारे पास टैग है, टेबल टैग को हमने क्लोज किया। नाउ टेबल टैग के ऊपर मुझे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, मैंने कहा सबसे पहले मैंने TR, TD ये सब बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं एक्सटर्नल फाइल बनाऊंगा CSS फाइल, मैंने CSS फोल्डर को ओपन किया, कंट्रोल एंड सेव, हमने कहा A34.css फाइल CSS फोल्डर में क्रिएट करो। नाउ इस फाइल को HTML पेज में लिंक कर दो, हमने कहा लिंक सिंगलटन टैग है, rel एट्रीब्यूट में हमने लिखा स्टाइल शीट। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है टाइप, आप बता सकते हैं, हमने कहा टेक्स्ट टेक्स्ट स्लैश css। नाउ उसके बाद हमने कहा href, हमने कहा हमारे पास एक css नाम का फोल्डर है जहाँ A34 नाम का एक .css फाइल है, मैं इसको यहाँ लिंक करता हूँ, साथ में हम लोग यहाँ पर एक JavaScript फाइल को भी हमें लिंक करना है, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपनिंग क्लोजिंग बनाया, और जो हमारा ओपनिंग टैग है उसमें src एट्रीब्यूट में लिखा कि हमारे पास एक js फोल्डर है जहाँ पर एक A34.js फाइल है, मैं इसको यहाँ लिंक करता हूँ। तो आपने ये सभी तीनों फाइल रेडी कर लिया है, इनको लिंक कर दिया ज़रूरी, उसके बाद ये स्क्रिप्ट टैग को तो मुझे बॉडी टैग में ही डायरेक्ट बनाना है, बस सबसे लास्ट लाइन में लिखना है, जब सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे तब जावास्क्रिप्ट रन होगा, ये हम चाहते हैं, राइट। टेबल टैग, तो हमने कहा कि जो हमारा CSS है वहाँ जाते हैं, हमने कहा हमारे पास टेबल नाम का टैग है, उसके लिए CSS प्रॉपर्टी लिखो, हमने कहा बॉर्डर अप्लाई करना है 1 पिक्सल सॉलिड सॉलिड, और हमने कहा उस बॉर्डर का कलर हम रखेंगे थोड़ा सा फेंट रखेंगे, थोड़ा एकदम डार्क नहीं रखना है, हमने कहा 777 कलर कोड दिया, और उसके बाद हमने कहा अलाइनमेंट दे देते हैं हम लोग इसको, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हमने कहा मार्जिन और हमने कहा ऊपर से 50 पिक्सल का मार्जिन ले लो और साइड से ऑटो कर दो, और इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया, आप चाहो तो ऊपर से 0 पिक्सल भी सेट कर सकते हैं।
चलो ठीक है, टेबल हमने बनाया ना, उसके बाद इस टेबल के अंदर हमारे पास कोई रो रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास टी आर रो ऐसा हमें बनाना पड़ता है, टी आर रो और उसके बाद रो के अंदर सेल हम बनाते हैं, टी डी टी डी, ये इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास कोई रो रिकॉर्ड नहीं है और उसके अंदर कोई सेल नहीं है, हमें ये क्रिएट करना है। अभी हमने जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया, ये हमारा टेबल है। तो अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में आएंगे। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा TBL और हमने कहा डॉक्यूमेंट 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 डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम हमने पास, हमारे पास टेबल नाम का टैग है, ठीक है। मैं दो मिनट में थोड़ा सा पॉज करके साउंड कम कर। तो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल टैग को गेट किया, तो यहाँ तो बहुत सारे इसमें कलेक्शन मिलेगा। हमने कहा इस कलेक्शन में कहा हमें एक रिकॉर्ड को रीड करना, मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कहा अलर्ट, हमने कहा ये जो TBL नाम का वेरिएबल है इसको हम रन करके देखेंगे, जो हमारा 34 एग्जाम्पल है इसको जस्ट ट्रायल करके देख रहे हैं। HTML कलेक्शन, ये मैं बता रहा है कि जो आप TBL प्रिंट कर रहे हो वो एक कलेक्शन है। मैंने कहा ओके, तो उसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि हमें मालूम है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, इसमें एक ही है, मैं आपको समझाता हूँ। TBL डॉट लेंथ, इसको रिफ्रेश करके देखो आप, 1। तो कलेक्शन में एक ही रिकॉर्ड है, हमने कहा इंडेक्स 0 वाला रिकॉर्ड को फेच करो। हम इसका शॉर्टकट टेक्निक लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कलेक्शन है। ये पूरा क्या है, हमने कहा HTML कलेक्शन, तो उसका 0 इंडेक्स एक्सेस करो, है ना, ऐसा हम बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो जो टेबल एलिमेंट है वो आ जाएगा हमारे पास। अब मैं अलर्ट करके दिखाता हूँ आपको, एक टेबल एलिमेंट मिलने वाला है, HTML टेबल एलिमेंट, बराबर हमें एक टेबल एलिमेंट मिल गया। हम उसको ID दे के भी एक्सेस कर सकते थे, नो डाउट, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक, डन। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ट्रायल्स करके दिखाए थे, लेकिन अभी तो स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखा है मैंने। टेबल एलिमेंट गेट कर लिया हम लोगों ने, और अब हम क्या करना चाहते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ टेबल के बाद यहाँ लास्ट एग्जांपल की तरह एक इनपुट फील्ड बनाया, मैंने टाइप में लिखा बटन, बटन टाइप सेट किया ना, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू देने वाले हैं, तो हमने कहा एड न्यू रो, ठीक है, और एड न्यू रो नाम का हमारा बटन है जो टेबल के बाद हमने क्रिएट किया है। और इसको भी हम एक आईडी असाइन कर देते हैं, इसको हम एक आईडी असाइन करते हैं, मान लो इसको मैंने आईडी असाइन किया एक्स, और मैं यहाँ पर जेएस में आता हूँ, मैंने कहा एक और एलिमेंट है जिसे गेट करना है, वेयर एक्स, और हमने कहा डॉक्यूमेंट। तो देखो ये जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो अलग अलग नाम देने से कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमने उसी नाम से बना लिया जिस नाम के एलिमेंट को हम गेट करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने कहा आईडी है एक्स, ऐसे एलिमेंट को गेट करो। तो जो हमारा एक्स नाम का एलिमेंट है हमने उसको गेट कर लिया है। अब हम चाहते क्या है कि जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स डॉट ऑन क्लिक। हमने कहा एक्स डॉट ऑन क्लिक क्या होना चाहिए, हमने कहा कि क्रिएट न्यू रो, ये एक नया फंक्शन हम असाइन कर रहे हैं और हम इसे बनाएंगे। हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया क्रिएट न्यू रो, हमने यहाँ पर कहा डॉक्यूमेंट डॉट, हमने कहा क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, और हमने कहा एक TR नाम का एक रो बनाओ। TR टैग, आपने टैग का नाम देना पड़ता है स्ट्रिंग में, क्रिएट एलिमेंट बोलना है तो आपको एक TR रो मिलेगा। हमने कहा वेर रो नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे, रो नाम का वेरिएबल हमने नाम दिया, आप चाहो तो कुछ और नाम दे सकते हो। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट TR, एक TR टैग बनाओ। अब इसको हमने कहा हमारे टेबल में जाके ऐड कर लो, हमने कहा TBL डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड नाम का ये जो मेथड है इसको हम कैसे यूज करते हैं, एक मेथड है, मेथड में हम लोग को चाइल्ड ऑब्जेक्ट पास करना है जो भी अभी आपने क्रिएट किया है। हमने कहा TBL डॉट अपेंड चाइल्ड, तो रो जाके इसमें अपेंड हो जाएगा, लेकिन वेट, अब रो बन गया है तो हमें एक और स्टेप लिखना है, और हमें क्या करना है कि हमें सेल बनाने हैं। मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूँ, तो
हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे कैसे बनाएंगे। हमने कहा मेरे पास एक वेरिएबल है और मैं उसका नाम रखता हूँ एर, और हमने कहा हमारे पास मान लो न्यू एरे। आपको मालूम होगा यहाँ जावास्क्रिप्ट में एरे नाम का क्लास है। हमने कहा न्यू एरे और आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना, ये आपने कहा, और कुछ इनिशियल रिकॉर्ड आप पास कर सकते हो, जैसे हमने कहा 12, 13, 14, और ऐसा एक और एरे बना लेते हैं हम लोग और इनके नाम इस तरह से रख देते हैं R1, R2। तो ये जो एरेज हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, इन एरेज को आप सिंपली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने एक और एरे बनाने का प्लान किया ये, और इसका नाम रखा R3, या फिर एड दो ही एरेज बनाते हैं हम लोग, और एक और एरे क्रिएट करेंगे। हमने कहा वेर, हमने कहा एर, और हमने कहा न्यू एरे। इस एरे के अंदर ये R1, R2 हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक और एरे आपने बना दिया जिसके पास दो एरे हैं। तो यहाँ रिकॉर्ड में रख देता हूँ, हमने कहा 15, 16 एंड 17। तो हमारा जो एरे बन गया है, हम इस एरे के रिकॉर्ड्स को इसमें फिल कर सकते हैं, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा डॉक्यूमेंट। जो लोग बेसिक प्रोग्रामिंग जानते हैं, उनको जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग या कोई दूसरा प्रोग्रामिंग सीखा है, उनके लिए बस ये एक नया सिंटेक्स है एरे बनाने का। और अगर हम इसको पिक्टोरियल वे में शो करना चाहते हैं तो मैं इसको ऐसे बताऊँगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, ये हमारे पास एक एरे है। ये एरे कितने एलिमेंट्स लेंथ का है, हमने कहा 2 एलिमेंट्स लेंथ का है, ठीक है। और इस एरे को आप किस नाम से जानते हो, हमने कहा एर। तो हमने कहा एर नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने दो और एरे बना के रखे हुए हैं जिसमें 3-3 रिकॉर्ड स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमने कहा 12, 13, 14, इसको हम लोगों ने एक वेरिएबल में होल्ड करके रखा है। हमने कहा R1, और एक और एरे हमने बना के रखा हुआ है 15, 16, 17, और इस एरे को हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया, और इस एरे को हमने यहाँ पर सेट कर 0, 1, और इस एरे का वेरिएबल क्या था आपको याद होगा R2, ठीक है। तो हमने L2 और R1 और L2 नाम के दो वेरिएबल में दो एरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके असाइन करके रखे थे, उनको फिर हमने दूसरे एरे में पास कर दिया, वो जाके इस तरह से स्टोर हो जाएंगे। अगर आपको मान लो इस 13 को रीड करना है तो आप कैसे करोगे, आपको इस वेरिएबल का यूज़ करना है, ठीक है। आपने कहा एर मतलब ये एरे ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, आप कौन सा इंडेक्स रीड करना है, 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को आपको रीड करना है, मैंने कहा 0, और इससे आपको ये वाला एरे ऑब्जेक्ट मिल गया R0, मतलब ये वाला एरे ऑब्जेक्ट इसका कौन सा इंडेक्स है, 0, 1, 2, तो आपको 1 वाला रीड करना है, आपने कहा 1, और बराबर से आप उस रिकॉर्ड को रीड कर पाओगे। ये जो है ये किससे पॉइंट कर रहा है, इससे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये अभी आपको समझ में आएगा। नाउ हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। देखो रो के अंदर हमें सेल बनाने पड़ते हैं, हम सीधे रिकॉर्ड रख नहीं सकते हैं। सेल बनाओगे तो एक सेल एलिमेंट क्रिएट होगा, TD क्रिएट होगा, उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कोड हमें रिटर्न होगा। मैंने कहा सेल नाम के एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, और ये जो सेल बन गया है, इस सेल के अंदर इस सेल की जो इनर HTML है उसमें हमने कहा कि हमें जो फर्स्ट एरे है, हाँ, तो हमें करना पड़ेगा एर नाम का जो एरे है उसका जो इंडेक्स 0 पे जो एरे रखा हुआ है, अभी तो आप चाहो तो सीधे यूज़ कर सकते हो R1 को, लेकिन ये हम लोग आगे धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो मैंने कहा जो हमारा मेन एरे है जिसके अंदर ये दोनों एरेज कंटेन्ड है, तो हमने कहा इस एरे का इंडेक्स 0 को एक्सेस करो, R0। R0 मतलब ये वाला रिकॉर्ड R0, ये क्या है R2, हाँ ये है R0, R मतलब पूरा एंटायर एरे ऑब्जेक्ट, उसका R0 इंडेक्स पर ये वाला एरे रखा है और R1 इंडेक्स पर ये रखा हुआ है। तो हमने कहा R0 इंडेक्स वाले एर रिकॉर्ड को रीड करो, ये है
उसका फर्स्ट रिकॉर्ड हमें रीड करना है, यानी इंडेक्स जीरो को, हमने कहा स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, ये इस तरह से सेमी कोलन, डन। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ये सेल बन गया आपका। हमने कहा वो जो ऊपर रो बनाया है लाइन नंबर 13 पे, रो डॉट अपेंड चाइल्ड, और हमने कहा ये जो सेल आपने क्रिएट किया ये असाइन कर देते हैं सेमी कोलन। अब देखो हम क्या करते हैं, ये तीन जो स्टेप है रो बनाने के लिए, इसे हम रिपीट करेंगे। हमने कहा रिपीट, हाँ हमने कहा फिर से एक सेल बनाओ, तो ये सेल वन वेरिएबल था ऐसा सोचो, या हम देखो सेल वन बनाया आपने, सेल वन को आपने यहाँ पर पास कर दिया, यहाँ पर आप बनाओगे सेल टू वेरिएबल, सेल टू डॉट इनर एचटीएमएल में आप क्या रखोगे, इसका इंडेक्स वन, और हमने कहा सेल टू को अपेंड चाइल्ड कर दो। उसके बाद फिर से हमने एक रो सेल बनाया, हमने इसका नाम रखा सेल थ्री, सेल थ्री में हमने उसकी टैग बॉडी में लिखा एर जीरो का इंडेक्स टू जो है, हाँ वो स्टोर कर दो, जीरो वन टू। नाउ इस सेल टू को हम सेल थ्री जो हमारा सेल है इसको हमने अपेंड ट्रायल कर दिया रो को, और फाइनली रो को हमने टेबल में ऐड कर दिया। अभी हम इतना ही ट्रायल करते हैं, हाँ A34 एग्जांपल में रन करके दिखाता हूँ। मैंने कहा रिफ्रेश, हाँ टेबल तो है लेकिन रो नहीं है, मैंने कहा एड न्यू रो, तो टेबल बन के आपको देखने लगेगा, ठीक है। उसका अलाइनमेंट हमने सेंटर लाइन करके रखा है। मैं यहाँ पर एक और काम करना चाहता हूँ, हमने कहा जो हमारा टी डी है उसको भी सी एस एस अप्लाई करना चाहता हूँ, जो टी डीज बनने वाले हैं, हमने कहा उनको सेम बॉर्डर अप्लाई करना है हम लोगों को। मैंने बॉर्डर अप्लाई किया और यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करो, जस्ट हम लोग बटन क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, आप देख सकते हो रो बन गया नाउ। तो यहाँ पर जैसे ही आपने बटन पर क्लिक किया तो एक रो इंसर्ट हो गया, इन शॉर्ट है ना, तो क्रिएट न्यू रो, ठीक डन। और अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने इस बटन को फिर से क्लिक किया इमेजिन, तो आप जैसे क्लिक करोगे वो फंक्शन रन होगा क्रिएट न्यू रो, तो वो एक नया रो बना के इंसर्ट करेगा, लेकिन रिकॉर्ड तो वही होंगे सेम। अब देखो मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ, मैंने इसे क्लिक किया एक और रो बन गया, मैंने फिर से क्लिक किया वही रो बन गया, तो वही रिकॉर्ड के साथ बन रहा है ये तो रिकॉर्ड। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना होगा, क्रिएट न्यू रो को हमने ये जस्ट रॉ इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाया हुआ है, क्रिएट न्यू रो को हमें एक बार वापस फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। इस बार नए तरह से हम करेंगे, देखो ये हमारा क्रिएट न्यू रो है, क्रिएट न्यू रो, और हमने कहा हम एक नया फंक्शन बनाते हैं क्रिएट न्यू रो, और इस बार हम वापस सारा कोड लिखेंगे, लेकिन हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमने कहा कि कितनी बार हमें ऐसा करना है, तो हर बार आपको देखो ये एरे के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे एरे के एलिमेंट कितने हैं, इसमें दो बार है तो आप दो बार ऐसा बना पाओगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, हमने कहा वेरिएबल, हमने कहा काउंट, और हमने कहा काउंट में हमने कहा एर डॉट लेंथ, हाँ तो एर डॉट लेंथ हमने यहाँ पर सेट कर दिया। तो यहाँ क्रिएट न्यू एलिमेंट पे हमने लिखा इफ यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, हमने कहा वेर, हमने कहा करंट, हाँ करंट हमने कहा जीरो, या आई लिख देते हैं और आसान हो जाएगा, आई जीरो, आई का वैल्यू कर दिया जीरो। तो अब हमें लॉजिक ये लिखना है कि जब तक आई का वैल्यू लेंथ से कम है, यहाँ पर मैं सीधे लिख सकता हूँ वैसे तो एर डॉट लेंथ, ये जो 2D एरे है हमारा, एरे जिसका हर एक रिकॉर्ड इटसेल्फ एक दो एरेज हैं, तो हमने कहा एर डॉट लेंथ, इस वेरिएबल को कम कर सकते हैं, जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा कि जैसे कोई क्रिएट न्यू रो बटन पर क्लिक करेगा, हम चेक करेंगे आई का वैल्यू लेस देन एर लेंथ है क्या। तो आप मालूम है इस एर का लेंथ कितना है, इस एर का लेंथ 2 है, ठीक, तो 0 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2, ये दो ही बार रन होगा। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने एक फॉर लूप बनाया, ठीक है, हमने कहा फॉर लूप की जगह पर हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, हमने कहा वेरिएबल, हमने रो वेरिएबल बनाया, हमने कहा एक नया रो क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कोई क्लिक करेगा क्रिएट न्यू रो, पहले एक रो बनाऊं डॉट क्रिएट एलिमेंट,
हमने कहा tr टैग पास कर दिया, एक नया रो बनेगा, उसका रेफरेंस कोड हमें रिटर्न होगा, साथ में हम एक फॉर लूप लिखेंगे। हमने कहा फॉर लूप, अरे भगवान, हमने कहा फॉर लूप हमें क्रिएट करना है। फॉर लूप में हम लोगों ने एक लूप कंट्रोल वेरिएबल सपोज टी क्रिएट किया, टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज लेस देन हमारा जो एरे है ना, तो आपको तो मालूम है जो हमारा एरे है एर, तो उसमें जो एलिमेंट है उसका क्या लेंथ है, तो हमने कहा एर जीरो या वट एवर, हमने कहा एर आई का जो लेंथ है एर आई, तो इस समय आई का वैल्यू जीरो है, यानी कि एर का जीरो रिकॉर्ड यानी एर वन, एर वन एरे का जो लेंथ है वो हमें मालूम करना है डॉट लेंथ, या आप यहाँ सीधे सीधे थ्री लिख दो अभी ये समझने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर एर वन और एर टू दोनों का साइज कितना है, थ्री थ्री, मैं जस्ट यहाँ थ्री टाइम्स लूप रन करना चाहता हूँ, ये आपको और कॉम्प्लिकेट करके परेशान नहीं करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कहा टी और हमने यहाँ जस्ट लिखा एक वेरिएबल बनाते हैं, हमने कहा सेल और हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट में हमने यहाँ लिखा हमें एक सेल एलिमेंट बनाना है टी डी, ठीक है। इसको मैं एक सेल वेरिएबल में होल्ड किया, मैंने कहा सेल में हमें क्या रखना है, सॉरी सेल के इनर एच टी एम एल यानी कि टैग बॉडी में क्या रखना है, हमने कहा कि इस समय जो हमारा 2D एरे है उसकी आई का वैल्यू बताता है कि हम उसके कौन से नोड को एक्सेस कर रहे हैं, जीरो या वन, तो हम आई का वैल्यू क्या चल रहा है जीरो, तो जीरो नोड, तो जीरो नोड का कौन सा रिकॉर्ड, हमने कहा टीएथ रिकॉर्ड, क्योंकि आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, ये क्या है जीरो वन टू, तो टी का वैल्यू कैसे चलने वाला जीरो वन टू, तो हमने कहा ये हमने लिखा यहाँ पर जस्ट, तो लूप चलता जाएगा और सेल बनता जाएगा और साथ में सेल को रो में अपेंड भी करते जाएंगे, रो डॉट अपेंड चाइल्ड, और हमने कहा ये जो सेल है इसमें अपेंड कर दो। एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो तीन लाइन का कोड है कि बार बार रन होगा, जैसे जैसे टी इंक्रीमेंट होता जाएगा, टी जीरो इज लेस देन थ्री, वन इज लेस देन थ्री, टू इज लेस देन थ्री, हर बार हम लोग ए जीरो के टी एथ रिकॉर्ड को रीड करेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ एक बात याद रखना, आई को प्लस प्लस जरूर कर देना, आई को इंक्रीमेंट कर देना, ये देखो मैंने कर दिया तो आई का वैल्यू वन हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर से जब कोई बटन पे क्लिक करेगा वो चेक करेगा वन इज लेस देन एर लेंथ ट्रू, तो नया रो बनाओ और उस क्या बोलते हैं थ्री टाइम्स लूप रन करके तीन सेल बनाओ, तीनों सेल में एरे के जो इंडेक्स रिकॉर्ड्स है टू टू डी एरे के वन डी एरे में जो रखे हुए रिकॉर्ड्स हैं उनको वहाँ पर पॉपुलेट करो। तो इस बार हमने लूप का यूज़ किया हुआ है, जस्ट मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। हमने कहा रिफ्रेश, अभी टेबल दिखाई नहीं दे रहा, ये एक डॉट दिख रहा है डॉट, हमने कहा एड न्यू रो, हाँ ठीक से कॉल नहीं हो रहा है, और कुछ तो क्रैश हो गया मेरे ख्याल से, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएट न्यू रो, कहीं तो हमने कोई गलती कर दी है उसको हमें ठीक करना होगा। तो सबसे पहले हमें जो हमारा ब्राउज़र है उसमें कोड इंस्पेक्टर होता है, तो हमने कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस किया, इस समय मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के से अगर ये नहीं ओपन होता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है F12 को प्रेस करता हूँ, F12 की को हमने प्रेस किया, सॉरी ये तो एयरप्लेन मोड में चला गया, F12 तो ये आ गया, चलो तो ये आ तो गया है हमारा डेवलपर कंसोल, और यहाँ पर अभी ऐसा कोई एरर नहीं शो कर रहा है, तो क्या इशू है हम देखेंगे इसको, ऐसे क्लोज करता हूँ। हमने कहा एड न्यू रो को हम क्लिक कर रहे हैं पर वो रन नहीं हो रहा है, तो जैसे ही मैं एक्स डॉट ऑन क्लिक बोलूँगा क्रिएट न्यू रो रन होना चाहिए, और ये क्रिएट न्यू रो में हम चेक करेंगे आई का वैल्यू लेस देन आई, और कहीं यूज़ नहीं किया, एरर डॉट लेंथ जो है उससे कम होना चाहिए, ठीक है ऐसा है तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट TR करो। मैं इस इफ के अंदर एक अलर्ट इंसर्ट कर देता हूँ जिससे हम चेक कर पाएंगे कि क्या इशू है, हम ये इफ टेस्ट पास भी कर पा रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा रिफ्रेश किया बटन के क्लिक पे वो फंक्शन जो असाइंड है वो रन हो रहा है, हाँ वो फंक्शन रन हो रहा है, हम अंदर एंटर हो गए हैं। हमने कहा रो, शायद मैं एक बहुत ही मेजर स्टेप भूल चुका हूँ, और वो ये है कि जो रो क्रिएट होगा उसको टेबल में तो अपेंड करना भूल ही गए हमने कहा, क्योंकि हमने वो पूरा कोड बंद कर दिया, एक नया कोड लिख रहे हैं TBL यानी कि टेबल एलिमेंट अपेंड चाइल्ड, हमने कहा वो जो हमने फ्रेश न्यू सेल बनाया था रो बनाया है वो रो को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, इस स्टेटमेंट को हमें अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो
इफ के अंदर आपने रो नाम का वेरिएबल बनाया है, तो ये जो रो नाम का वेरिएबल आपने क्रिएट किया वो इफ के अंदर लोकल है, इफ के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये हमने लिखा और हमने इसको करेक्ट कर लिया, रिफ्रेश करते हैं वापस प्रॉपर्ली और हमने कहा ऐड न्यू रो, हमने कहा ऐड न्यू रो। अब मैं ऐड न्यू रो बोलता हूँ, अब कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लॉजिक लगा के रखा है कि आई का वैल्यू जब तक एरे के लेंथ के बराबर है, इससे बिलो है तभी तक कर लूँ। इसका मतलब अगर मैं एक और एरे बना देता हूँ, नाम रख देते हैं एड थ्री, यहाँ एक और रिकॉर्ड में इंसर्ट कर देता हूँ, मैंने कहा 18, 19 और 20, तो और इसको मैं यहाँ पर कॉमा करके एड थ्री पास कर देता हूँ और फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं वापस स्क्रैच से, एड न्यू रो, एड न्यू रो, एड न्यू रो। तो आपको मुझे इस एग्जांपल में यही समझाना है कि हम लोग खुद नए एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कभी टी आर नाम से नया एलिमेंट बनाया, कभी टी डी नाम से नया एलिमेंट बनाया, और क्या बोलते हैं इसके प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने क्रिएट इनपुट बोल के इनपुट फील्ड बनाया। तो जो टैग का नाम लिखोगे वो नया फ्रेश न्यू टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरे हमारे एचटीएमएल पेज में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप नए एलिमेंट्स बना के उनको अपेंड करवा सकते हो, उनकी सीएसएस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, टैग की बॉडी को चेंज कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, इवेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे और देखेंगे।